सुजाता की खीर खाकर सिद्धार्थ कैसे बने बुद्ध? सिद्धार्थ के जीवन में यदि सुजाता नहीं आती तो संसार को बुद्ध नहीं मिल पाते, क्योंकि कष्ट देने वाली तपस्या से सिद्धार्थ का शरीर सूख कर काटा तो हो ही गया था, पेट पीठ से चिपक गया था। उरुवेला के सुंदर वन में निरंजना नदी कल कल बहती थी। वहीं सेनानी कस्बे के एक संपन्न गोपालक गृहपति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। वहाँ के लोग प्रकृति के उपासक थे। वे नदी पहाड़ वृक्ष आदि में देवताओं का वास मानकर पूजते थे। सुजाता ने भी एक निग्रोध बरगद के वृक्ष से मनौती मांगी थी। सुजाता का विवाह वाराणसी में हुआ था। संयोग से उसकी मनोकामना पूरी हुई। वैशाख पूर्णिमा को वो दासी पूर्णा के साथ अपने पीहर आई और वट वृक्ष की पूजा के लिए स्वादिष्ट खीर बनाई और दासी को कहा, पूर्णे तुम पवित्र वट वृक्ष के पास जल छिड़क कर सफाई कर जल्दी आओ, मैं वृक्ष देव को खीर अर्पित करने जा रही हूँ। पिछले 6 साल से कुमार सिद्धार्थ आश्रमों व दूसरी जगहों पर ध्यान समाधि व ज्ञान का अभ्यास कर रहे थे। इस समय उरुवेला में कठिन तपस्या के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उनकी काया सूख कर कांटा हो गई थी। इसी दौरान सपने में 3 वीणा वादक युवतियाँ गा रही थीं। जीवन की वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाए और इतने ढीले भी मत रखो कि स्वर ही नहीं निकले। वीणा के मध्यम कसे तारों से ही मधुर स्वर निकलता है। सिद्धार्थ ने इसके बाद कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया और उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया जिससे सुजाता ने मनौती मांगी थी। दासी पूर्णा ने वृक्ष के नीचे आसन लगा ए बैठे सिद्धार्थ को देखा। उनके शरीर से निकलने वाली आवाज से सारा वट वृक्ष प्रकाशित हो रहा था। वो अचंभित हो गई। आज हमारे वृक्ष देवता स्वयं अपने ही हाथ से खीर ग्रहण करने को विराजमान है। पूर्णा दौड़ी घर आकर सुजाता को सारी बात बताई। सुजाता बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूर्णा को गले लगाते हुए कहा, पूर्णे आज से तू मेरी पुत्री बनकर रहेगी। सुजाता ने आनंद और भाव विभोर मन से 8 गायों के मिश्रित दूध से बनी खीर को सोने के थाल में परोसा। आभूषणों से शोभित हुई और बोधिसत्व सिद्धार्थ को साक्षात वृक्ष देवता समझकर सोने का थाल उनके सामने रखा। वंदना करते हुए कहा, जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही तुम्हारा भी मनोरथ पूरा हो। ऐसा कहकर वो सोने के थाल को पुरानी पत्तल की तरह समझकर घर आ गई। सिद्धार्थ खीर से भरा थाल निरंजना नदी के किनारे आए। स्नान कर 49 ग्रास में खीर का भोजन किया और यही भोजन उनके बुद्धत्व प्राप्ति होने तक के लिए भारी सहायक बना, क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने कोई दूसरा आहार नहीं लिया था। खीर खाकर उन्होंने स्वर्ण थाल को निरंजना नदी में जूठे पत्तल की तरह फेंक दिया। उसी शाम को वे वहाँ से चलकर एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय कर बैठ गए। चाहे मेरी चमड़ी नसें हड्डियाँ ही क्यों नहीं बाकी रह जाएं और शरीर में रक्त सूख जाए तो भी सत्य ज्ञान को प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। उसी रात उन्होंने मार को पराजित कर बुद्धत्व प्राप्त किया। बाद में सुजाता का पूरा परिवार बुद्ध धम्म का उपासक बना और सुजाता श्रोतापन हुई। तथागत ने सुजाता की धम्म के प्रति श्रद्धा देख कर कहा था, भिक्खुओं उपासिका व श्राविकों में प्रथम बुद्ध की शरण आने वाली महिलाओं में सुजाता अग्रणी है। सुजाता की स्मृति में उनके गांव में सम्राट अशोक ने विशाल स्तूप बनवाया था जो आज भी उस धम्म गौरव की कहानी का बखान कर रहा है। सुजाता की खीर खाकर ही राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने थे।